जाता है, देखिए कितना मस्ती कर रहा है। नहीं है लेकिन अच्छा खेलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आया, तो वीडियो का नाम द कॉमेडी किंगडम चैनल से लिया है। बहुत कॉमेडी वीडियो है, तो चलो वीडियो देखते हैं बिना। आज होने वाला है क्रिकेट का महामुकाबला, क्रिकेट का महायुद्ध। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है। ये है मस्तीपुर का टीम, मस्ती करते करते सारा मैच जीत जाता है, देखिए कितना मस्ती कर रहा है। और ये है जबरदस्तीपुर का टीम, ये सब जबरदस्त खेलता है लेकिन आज तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। तो चलिए जल्दी से टॉस करते हैं और मैच को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों टीम के कप्तान आगे आइए, आप थोड़ा फिर जाइए। चलिए बताइए क्या लीजिएगा, क्या देने का मन है? अभी हम टॉस उड़ा रहे हैं, हेड या टेल या दोनों में से क्या लेगा? अच्छा ठीक है, पहले उड़ा उसके बाद बोलेंगे। चलो ठीक है, चलो जल्दी बोलो क्या लेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हेड, हेड लेंगे। अरे ये तो देख के बोला। अरे साला बिना देखने कैसे पता चलेगा हेड आया टेल? अरे मैच के नियम जानता है कि नहीं, बिना देखने बोलना होता है। अरे साला जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता क्यों चलेगा हेड आया टेल? अरे इसको कप्तान बना दिया यार, साला मैच के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अरे भाई ठीक है बोल रहा है, बिना देखने बोलना होता है। साला तू हम तो ज्यादा जानता है। हाँ बिना देखने बोलेंगे तो हार जाएंगे यार। अरे भाई इसमें हार जीत होते रहता है। ठीक है साला तुम ही बोलो, हारेंगे तो बड़ी मारेंगे। ठीक है मार लीजिए। चलो बता क्या लेगा, हेड लेगा या टेल लेगा? हेड। चलो ठीक है, तो यहाँ पे टेल आया और जबरदस्ती पुर देखा हार गया ना, अभी देख के बोलता तो जीत जाता। तो यहाँ पे जबरदस्तीपुर का टीम ने टॉस जीत चुका है। तो चलिए बताइए आप क्या लीजिएगा, बॉलिंग लीजिएगा या बैटिंग लीजिएगा? भाई बैटिंग लीजिए। नहीं भाई बॉलिंग लीजिए, जो बॉलिंग लेता है वही जीतता है। नहीं भाई बैटिंग लीजिए। बैटिंग कहाँ पे? कहाँ, एक 10 बजे हमको नानी घर जाना है, बैटिंग कर लेंगे उसके बाद चल लेंगे। साला मैच के बीच में जाएगा ना तो पैसे काट लेंगे। भाई जल्दी बोलो ना, तो इन लोग से पूछ लेंगे। इन लोग से पूछ लीजिएगा तो हम जीते कि इन लोग जीता है। हाँ तो जल्दी बोलो ना क्या लेगा, बैटिंग लेगा या बॉलिंग लेगा? भाई बैटिंग लीजिए। नहीं भाई बॉलिंग लीजिए। भाई नहीं भाई बैटिंग लीजिए। भाई बॉलिंग लीजिए। भाई बैटिंग लीजिए। हम फील्डिंग लेंगे। फील्डिंग मेरा मतलब बॉलिंग लेंगे, बॉलिंग। तो यहाँ पे जबरदस्तीपुर के टीम ने बॉलिंग चुना है, तो चलिए जल्दी से बिना गवाए टाइम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट का ये गेम। हेलो हेलो सूरज भाई, ये क्रिकेट मैच कहाँ हो रहा है? अरे गाइडा के फील्ड में हो रहा है। ठीक है भाई हम अभी आते हैं। जल्दी आ, हम लोग बैटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है भाई अभी तुरंत आते हैं, जल्दी आओ। अरे सूरज भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया इतना बढ़िया फोन खरीदने का? हम इंडिया का अपना गेम खेल के ये फोन खरीदे। इंडिया का अपना गेम? हाँ इंडिया का अपना गेम जूपी लूडो, इस पे अपना स्किल यूज करके लाखों जीत सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। हाँ भाई चलो बैटिंग करने चलो। तो यहाँ पे मस्तीपुर की टीम से मस्ती करते करते ओपनिंग करने आ रहे हैं टीम के कप्तान सूरज और छोटी। ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज नहीं है लेकिन अच्छा खेलते हैं। भाई इस साला बड़ी खतरनाक बॉलर है, एक काम करो इसका पहला बॉल खा जाओ तो इसको लगेगा तुम खेलने नहीं जानता है, तो फिर दूसरा बॉल आराम से फेंकेगा उसके बाद ढूंढ के मारिएगा। अबे साला जब पहला बॉल खा जाएंगे तो दूसरा बॉल कैसे फेंकेगा? अरे भाई मेरा मतलब वो खाना नहीं, मेरा मतलब पहला बॉल मिस कर दो। अबे हम मिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट छक्कर चौका मारेंगे। तो यहाँ पे सूरज तैयार हो गया बल्लेबाजी के लिए और बॉलिंग कर रहा है मिस्टर जोगी, और ये पहला ओवर का पहला बॉल जोगी द्वारा, और ये बेहतरीन शॉट मारने की कोशिश लेकिन यहाँ पे बॉल को मिस कर दिया मिस्टर सूरज, और फिर से तैयार हो रहा है बल्लेबाजी के लिए मिस्टर सूरज, और ये जोगी द्वारा पहला ओवर का दूसरा बॉल, और ये बेहतरीन शॉट। यहाँ पे सूरज का चला बल्ला और ऑडियंस करने लगा हल्ला, बेहतरीन शॉट सूरज द्वारा, यहाँ मिलेगा 6 रन। अब सूरज फिर से तैयार, और ये जोगी द्वारा पहला ओवर का तीसरा बॉल, और ये सूरज ने इसको भी उठा दिया है बॉल को हवा में, और यहाँ मिलेगा एक और 6 रन। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी है सूरज द्वारा, और यहाँ पे जोगी द्वारा पहला ओवर का चौथा बॉल, और यहाँ पे बहुत प्यार से रोका है सूरज ने बॉल को, और यहाँ पे 1 रन लेने की कोशिश। इसी के साथ ओवर हो गया समाप्त, और यहाँ पे फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं मिस्टर सूरज, बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं आज सूरज, और यहाँ पे बॉलिंग करने आ गए हैं टीम के कप्तान अजय पॉपर। ये क्लास में हमेशा रहे हैं टॉपर, इसका नाम है अजय पॉपर, और ये अजय पॉपर द्वारा दूसरा ओवर का पहला बॉल,
और यहाँ पे सूरज ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है और यहाँ मिलेगा 4 रन। सूरज का चला बल्ला, ऑडियंस करने लगा फिर से हल्ला और यहाँ पे सूरज फिर से तैयार बल्लेबाजी के लिए। और ये अजय पवार द्वारा ओवर का दूसरा बॉल और यहाँ पे बेहतरीन शॉट सूरज द्वारा और बॉल हवा में और ये सॉलिड कैच आउट है, क्लियर कैच आउट है। लेकिन साला अंपायर 6 रन दे रहे हैं, क्या बात है यार। ओ अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिए, ये तो साला मैदान के बाहर हगने बैठा है। क्या बे, यहाँ फील्डिंग करने छोड़ के यहाँ हगने बैठा है? अरे भाई सुबह सुबह मैच खिलाई दिया ही होगा, हागेंगे तभी तो फील्ड में भागेंगे। अरे ठीक है, जल्दी हागो, आगे फील्डिंग करो। अरे भाई बॉल लेके जाइए। अजय पवार द्वारा दूसरा ओवर का तीसरा बॉल और यहाँ पे बेहतरीन शॉट सूरज द्वारा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सूरज। और यहाँ पे फील्डर ने निकाला झोला पिछवाड़ा से यहाँ पे सूरज ने बहुत ही अच्छा खेला है, भले ही 2 ओवर पे 8 हो गया लेकिन खाली छक्का और चौका मारा है। अब यहाँ पे मस्तीपुर की टीम से बल्लेबाजी करने आ गए मिस्टर मनीष। इस साला झोला से कैसे ले लेके हम लोग को मैच हरा देगा? हाँ भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आइडिया, तुम 1 मिनट को, हम 2 मिनट बातें। और यहाँ पे मनीष तैयार बल्लेबाजी के लिए और ये अजय पवार द्वारा चौथा बॉल और यहाँ पे बेहतरीन शॉट मनीष द्वारा और ये बॉल हवा में और यहाँ पे फील्डर द्वारा कैच लेने की कोशिश और ये फिर से निकाला इसने झोला और झोला में लिया कैच, लेकिन यहाँ पे कैच मिस हो गया, यहाँ पे 4 रन मिलेगा। झोला कैसे फट गया? और ये मनीष फिर से तैयार बल्लेबाजी के लिए और ये ओवर का 5वां बॉल और ये फिर से बेहतरीन शॉट। इस साला भाग लोलवा बैठ के सी रहा है झोलवा, ऐसे छोड़ेगा कैच तो लगता है फिर से हार जाएगा ये मैच। अबे क्या कर रहा है? झोला सी रहे। अबे साला तेरा झोला कारण 2 कैच छूट गया, हाथ से नहीं लोग सकता है। चलो फील्डिंग करो यहाँ पे लग पागल। और ये अजय पपर द्वारा ओवर का लास्ट बॉल और यहाँ पे मनीष ने बॉल को उठा दिया हवा में और ये फील्डर फिर से कैच लेने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कैच ले पाता है नहीं। कोई बात नहीं मोटू, मतलब मनीष बहुत अच्छा खेला है। ये लो अजीत, तुम जाओ और लास्ट तक टिके खेलना। ठीक है भाई, ताली मारो रे। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं अजीत बाबू और स्ट्राइक पे है मिस्टर छोटी और यहाँ पे 3rd ओवर का 1st बॉल और ये बेहतरीन शॉट छोटी द्वारा और यहाँ मिलेगा 4 रन। जिया छोटी, खा के आया रोटी मार रहा है छोटी। वाह क्या राइमिंग था, खा के आया रोटी मार रहा है छोटी। और ये फिर से बेहतरीन शॉट छोटी द्वारा और ये साला फिर से सीढ़ी लेके दौड़ने लगा। अरे साला फिर से सीरीज कैसे ले लिया? और ये साला फिर से सीढ़ी लेके दौड़ रहा है, ये लगता है सबको ऑल आउट करके मानेगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गए मिस्टर बोका, खाता है दाल भात चोखा, इसका नाम है बोका और ये बोका द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट और यहां मिलेगा 4 रन। इसका नाम है बोका, जब से लड़की ने दिया इसको धोखा तब से खाली मार रहा है छक्का चौका मिस्टर बोका। इसी के साथ ओवर समाप्त, बॉलिंग करने आ गए मिस्टर जोगी और ये जोगी द्वारा 1st बॉल और यहाँ पे बेहतरीन शॉट अजीत बाबू द्वारा और ये लास्ट ने लिया कैच। तो लास्ट कैसे कैच ले सकता है, ये लास्ट है कि जिंदा लास्ट है।
क्या बे, इसी तरह फील्डिंग किया जाता है, अभी हमको चोट लग जाता और मर जाते तो। ये लो। अबे तुम लोग क्या देख रहे हैं, चलो हमको जलाने के लिए। अरे यार साला, हम लोग की टीम में कोई अच्छा बैट्समैन बचा ही नहीं है, ऐसे तो हम लोग मैच हार जाएंगे भाई। उसको बुलाना पड़ेगा। किसको? कलुआ को। कलुआ? ये देखो आ गया अपना कलुआ। जिया कलुआ जिया। और यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आ गया है मिस्टर कलुआ। ये पिछले मैच में बहुत ही खतरनाक खेला था, खाली छक्का चौका मारा था, मैच को जिताया था मिस्टर कलुआ। कलुआ, हम लोग ये मैच हर हाल में जीतना है, टेंशन मत लो। हम जिस टीम से खेलते हैं उस टीम को जीतना निश्चित है। आई एम कलुआ, छक्का चौका मार के बॉल को बना देंगे हलुआ और ये मैच को फिर से जिता देगा कलुआ। बेफिक्र रहो। और ये जोगी द्वारा ओवर का दूसरा बॉल, और यहाँ पे बॉल को बड़े प्यार से खा लिया है कलुआ ने। पूरा जोश में था लेकिन पहला ही बॉल खा गया कलुआ। और ये ओवर का तीसरा बॉल, और ये बेहतरीन। क्या हुआ कलुआ, आज नहीं खा गया हलुआ? अरे नहीं खा गए थे भाई, आज घर में दाल भात बना था। अरे यार ए, जा साला कलुआ हलुआ खिलाओ। अभी जाते भाई। कलुआ नहीं खा के आया हलुआ, इसलिए अच्छा नहीं खेल पा रहा है बेचारा। और यहाँ पे हलुआ हलुआ खा के तैयार हो गया मिस्टर कलुआ। पेट में गया हलुआ, अब छक्का चौका मारेगा कलुआ। और यहाँ पे जोगी द्वारा ओवर का तीसरा बॉल, और ये बेहतरीन शॉट कलुआ द्वारा, ये बॉल हवा में, और यहाँ मिलेगा 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कलुआ द्वारा। जिया कलुआ जिया। और ये जोगी द्वारा ओवर का 5वां बॉल, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, कलुआ गिर गया नीचे, उसको लगे पिछवाड़ा में चोट। कोई बात नहीं कलुआ, फिर भी बहुत अच्छा खेल रहा है कलुआ। और ये जोगी द्वारा ओवर का लास्ट बॉल, और यहाँ पे कलुआ ने बड़े प्यार से बॉल को रोका है, और यहाँ एक रन लेने की कोशिश, यहाँ मिलेगा 1 रन, और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त, और कलुआ आ गया फिर से स्ट्राइक पे। कलुआ आज तो मार के फोड़ देंगे अलुआ। नेक्स्ट ओवर बॉलिंग करने आ गए मिस्टर अजय पॉपर। आपको फिर से याद दिला दे, ये क्लास में हमेशा रहा है टॉपर, इसका नाम है अजय पॉपर। कलुआ ने बॉल को उठा दिया हवा में, और यहां मिलेगा 6 रन। बहुत ही खतरनाक खेल रहा है कलुआ। जिया कलुआ जिया। और ये बेहतरीन शॉट और बॉल हवा में, कलुआ के खेलने का यही है स्टाइल, छक्का चौका मार के कलुआ करता है स्माइल। और यह कलुआ का बैटिंग करने का अंदाज, बॉल ऐसे उड़ता है जैसे उड़ता है बाज। और यह कलुआ द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ कलुआ का शतक पूरा हो गया है, पूरे 100 रन बना लिया है कलुआ। यही है कलुआ का खेलने का स्टाइल, छक्का चौका मार के कलुआ करता है स्माइल। और यहां पे जोगी द्वारा ओवर का लास्ट बॉल, और ये कलुआ आउट। कोई बात नहीं कलुआ बहुत ही अच्छा खेला है, खाली छक्का चौका का बरसात किया है कलुआ। और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त, जबरदस्तीपुर की टीम ने बना लिया है 215 रन, और जीतने के लिए चाहिए 216 रन। यहाँ पे जबरदस्तीपुर की टीम से ओपनिंग करने आ रहे हैं अजय पॉपर और मिस्टर सनुज। स्ट्राइक पे है मिस्टर सनुज। और ये अजीत द्वारा पहला ओवर का पहला बॉल, और यहाँ सनुज ने बॉल को उठा दिया हवा में, और यहाँ पे कलुआ ने लिया टॉपी में कैच।
और यहाँ पे सनूज हो गया आउट। सनूज का मूड खराब, आया ठीक से खेल भी नहीं पाया। जोगी ये तो सल आउट हो गया, तुम अच्छा से खेलना। ठीक है भाई चलो। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं मिस्टर जोगी, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है मिस्टर जोगी, बहुत ही खतरनाक बैटिंग करते हैं। और ये अजीत द्वारा पहला ओवर का तीसरा बॉल, और यहाँ पर जोगी द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट, और यहाँ मिलेगा चार रन। ये जियो जोगी जियो। और ये अजीत द्वारा बॉलिंग, और ये जोगी द्वारा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। इसी के साथ ओवर हो गया समाप्त, स्ट्राइक पे आ गया फिर से जोगी। बॉलिंग कर रहे हैं टीम के कप्तान मिस्टर सूरज, और ये सूरज द्वारा ओवर का पहला बॉल, बहुत ही बड़े प्यार से रोका है जोगी ने बॉल को, और यहाँ पे फील्डर मौजूद। यहाँ पे एक रन मिलेगा, अजय पॉपर कर रहे हैं बैटिंग, अजय पॉपर है स्ट्राइक पे। और ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अजय द्वारा, और बॉल हवा में, और यहाँ पे कई ने फिर से लिया टॉपी में कैच, और ये अजय पॉपर हो गया आउट। अजय पॉपर का मूड खराब। ये लो भाई अच्छा से खेलना। ठीक है भाई। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं मिस्टर दीपक बाबू, और ये सूरज द्वारा बॉलिंग, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट दीपक द्वारा, और यहाँ मिलेगा 6 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त, और स्ट्राइक पे आ गए हैं मिस्टर जोगी, और बॉलिंग कर रहे हैं अजीत, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, कलुआ को लगा मुंडी में चोट, अब नहीं कर पाएगा फील्डिंग, होश आने में लगेगा 2-3 दिन। और जोगी फिर से तैयार पूरा जोश में, और ये अजीत द्वारा दूसरा बॉल, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, और यहां मिलेगा 4 रन। और यहाँ पे जोगी पूरा जोश में, और ये यहाँ पे जोगी विकेट आउट, जोगी का मूड खराब। अरे यार अब तो जोगी भी आउट हो गया, ये साला कलुआ बहुत ज्यादा रन मार दिया, लगता है इस बार हम लोग मैच हार जाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे भाई, उन लोग पास कलुआ तो क्या हुआ, हम लोग पास ही बहुत खतरनाक बैट्समैन है। कौन है? गोरुआ। हम आ गए ना, अब देखो कैसे गर्दा उड़ता है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गया है गोरुआ, लगता है इस बार मस्तीपुर के टीम को टक्कर देगा ये गोरुआ। और ये अजीत द्वारा ओवर का लास्ट बॉल, और बहुत ही बेहतरीन शॉट गोरुआ द्वारा, गोरुआ ने आते ही छक्का उड़ा दिया है। यहां मिलेगा 6 रन जबरदस्तीपुर के टीम को, और यहां पे ओवर समाप्त। स्ट्राइक पे आ गए हैं दीपक बाबू, और बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर सूरज, और ये सूरज द्वारा पहला बॉल, और यहाँ पे दीपक बाबू विकेट आ, दीपक बाबू का मूड खराब। सलाह अब ये भी आउट हो गया, अब किसको भेजें? भाई मेरे पास एक और खतरनाक बैट्समैन है। कौन है? मंगरू चचा। अरे ये झंझट ले क्यों आ रहे? ये छानते समोसा क्रिकेट खेलते बहुत अच्छा, ये है मेरे मंगरू चचा। अच्छा यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं मंगरू चचा, दिखा के पिछवाड़ा, पिच में हो गए खड़ा। और ये सूरज द्वारा ओवर का दूसरा बॉल, और ये मंगरू चचा द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट, और यहाँ मिलेगा 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मंगरू चचा द्वारा, पूरा जोश में है मंगरू चचा, दिखा के पिछवाड़ा, मंगरू चचा हो गए खड़ा। और ये सूरज द्वारा ओवर का तीसरा बॉल, और बहुत ही बेहतरीन शॉट मंगरू चचा द्वारा, यहां मिलेगा 4 रन। लगता है थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ के खेलेंगे। और ये कलुआ द्वारा बॉलिंग, और गोरुआ ने मार दिया बॉल को घूम के, और यहां मिलेगा 4 रन।
इसी के साथ ओवर समाप्त और स्ट्राइक पे आ गए फिर से मंगरू चाचा, दिखा के पिछवाड़ा, फिर से मंगरू चाचा हो गए पिच पे खड़ा। बॉलिंग करने आ गए मिस्टर सूरज और इस सूरज द्वारा पहला बॉल, बहुत ही बेहतरीन शॉट मंगरू चाचा द्वारा। ये मंगरू चाचा लगता है मैच को जिता के ही छोड़ेंगे। मंगरू चाचा का झंझरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है मंगरू चाचा। और ये सूरज द्वारा बॉलिंग, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी मंगरू चाचा द्वारा, झांझरा से कमाल कर दिए हैं, बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं मंगरू चाचा। इसी के साथ जबरदस्तीपुर की टीम ने बना लिया है 210 रन, जीतने के लिए चाहिए केवल एक छक्का। गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और ये मंगरू चाचा का अलग है अंदाज, दिखा के पिछवाड़ा, फिर से मंगरू चाचा हो गए खड़ा। ये मंगरू चाचा लगता है मैच को जिता के ही छोड़ेंगे। और यहाँ पे सूरज द्वारा बॉलिंग और ये मंगरू चाचा बॉल को उठा दिया हवा में, मंगरू चाचा द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट और यहाँ मिलेगा चैलेंज। अरे क्रिकेट खेले बहुत अच्छा।